लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन की डील पक्की हो चुकी है। राज्य की कुल 80 लोकसभा सीटों में से पहले सपा और रालोद के बीच गठबंधन हुआ, जिसके तहत आरएलडी को 7 सीटें दी गई, वहीं अब कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान किया गया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इसका ऐलान किया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। पिछले दिनों सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि यूपी में कांग्रेस 80 में से 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, इसमें सभी जगह की समीक्षा हम लोगों ने की, सभी प्रदेशों के बारे में और आज की राजनीतिक परिस्थिति में और क्या बेहतर हम लोग कर सकते हैं, बस उतना ही हुआ। इंडिया अलायंस को लेकर कुछ बात हुई? नहीं, इंडिया अलायंस नहीं था, जो हर स्टेट वाइज समीक्षा बैठक थी उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई और मुझे लगता है सभी काफी पॉजिटिव सकारात्मक है, आगे बात बढ़ रही है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने अखिलेश यादव के 11 सीटें देने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। प्रदेश के शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व ने कहा कि अखिलेश यादव का एक तरफा यानी अपना फैसला है, जिससे वो सहमत नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने रायबरेली और अमेठी सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जहां कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 80 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी 6.4% वोट शेयर के साथ केवल एक सीट ही जीत सकी और 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे। सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों ही दलों के अपने अपने दावे के समर्थन में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं इसकी चर्चा भी जरूरी है। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो सपा, बसपा और आरएलडी से गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरी थी। सपा ने 37 और बसपा ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आरएलडी के हिस्से 3 सीटें आई थी। सपा, बसपा, आरएलडी के गठबंधन ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे।